हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे, और मैं हूं आपका साथी संजीव स्वामी। दोस्तों आज हम लेके आए हैं अल्ट्रोज एक्सएम का ओनरशिप रिव्यू। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस जो ओनर्स हैं उनसे कि इस गाड़ी का उनका क्या फीडबैक है। उन्होंने गाड़ी को लगभग एक साल के आसपास है वो ड्राइव कर लिया है, यूज किया है, तो उनका उनसे हम जानेंगे उनका ओनरशिप रिव्यू डिटेल के अंदर। तो उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर ये है हमारे साथ, सर आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है? चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चंद्रमोहन जी आप करते क्या हो, सबसे पहले हमें ये बताइए। मैं डेटा एनालिस्ट हूँ एक नोएडा बेस्ड कंपनी में। ओके, तो चंद्रमोहन जी आप ये बताइए कि ये जो अल्ट्रोज है आपने ये गाड़ी कब ली थी? ये जनवरी 2021 में ली। अच्छा 2021 में, तो आज सितंबर 2021 है, तो आपको लगभग 9 महीने हो गए इस गाड़ी को। तो आप मुझे ये बताइए इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ियाँ थी? घर पे अपने पहले थी K10। ओके, और वैगनर। तो ठीक है, तो मतलब तो गाड़ी है वो मारुति और टाटा का, यहाँ पे सर्विस एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा। तो आप ये बताइए सबसे पहले आपने इसको गाड़ी को कितना चला दिया? अभी तक इस गाड़ी को 9400 समथिंग है। अच्छा, ये पेट्रोल बेस्ड गाड़ी है और इसको 9000 के आसपास है चला दिया। आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सर अब हमें ये बताइए कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इसका कि इसकी एवरेज कितनी है अल्ट्रोज की? एवरेज मेरे को अभी जो मिल रही है वो है 16 की सिटी के अंदर। मैं नोएडा में रहता था तो नोएडा में यूज किया मैंने इसको अभी। ओके, और वहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट 16 के अराउंड एवरेज मिल जाती है। तो नोएडा के अंदर तो है वो काफी ट्रैफिक रहता है, उस ट्रैफिक के अंदर आपको ये 16 की एवरेज दे रही है। तो काफी लोगों की ये शिकायत रहती है कि इसकी जो अल्ट्रोज की है वो एवरेज बहुत कम आती है, कि 10-11-12 के आसपास एवरेज आती है इसकी पेट्रोल के अंदर। ऐसा तो नहीं है, मैंने देखा क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास में भी है और उन्होंने भी ये चेक किया, उनकी भी सिमिलर ही मिला है उनको भी एवरेज। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैं अभी एक ट्रिप हुई है 518 किलोमीटर की तकरीबन दिखा रहा है और 17 की एवरेज दिखा रही है मेरे को यहाँ पे। ओके, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो ये ट्रिप जो है हाईवे की हुई है टोटली, हाईवे और सब मतलब सिटी वगैरह सब कुछ। तो हाईवे पे इसकी जो एवरेज है, अगर हम फुल हाईवे की बात करें तो एवरेज कितनी चल रही है इसकी? हाईवे पे मैंने एक बार ट्राई किया था तो मेरे को ऑलमोस्ट 19-20 के बीच में मेरे को एवरेज निकाल के देखी। ओके, और इसकी जब 9000 के आसपास चल चुकी है तो इसकी सर्विस वगैरह आपने करवाई होगी? एक दो सर्विस अभी तक, दो सर्विस हुई है, तीसरी अभी पेंडिंग है। आपको सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा था टाटा वालों के साथ? सर्विस का एक्सपीरियंस ये है, यहाँ पे लोकल में नहीं है कोई सर्विस सेंटर, डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है और वहाँ से सर्विस करवानी पड़ती है। तो कंपैरिजन करें यदि अपने दूसरों मारुति सुजुकी वगैरह किसी और कंपनी के साथ में, जैसे होंडा की भी, तो उनके कंपैरिजन में सर्विस सेंटर कम है टाटा की सर्विस। और सर्विस जो हुई उनकी सर्विस, जैसे आपकी अभी तक फ्री वाली सर्विस हुई है, कुछ ऑयल सर्विस नहीं हुई है? नहीं, ऑयल सर्विस। तो उस सर्विस में भी आपको क्या कुछ कितना कोई चार्जेस वगैरह, एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह कोई? नहीं, वो टोटली फ्री होती है सर्विस, फ्री होती है। तो और इस गाड़ी के अभी तक आपने कोई लॉन्ग ट्रिप वगैरह लगाई है? लॉन्ग ट्रिप यहाँ से नोएडा और नोएडा से वापस यहाँ तक, नोएडा से यहाँ तक 450 किलोमीटर के आसपास है। 40 किलोमीटर मेरे घर से पूरा मेरा घर नोएडा तक। अच्छा, तो इस गाड़ी पे आपने अभी तक कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करवाया है अभी तक? नहीं, अभी तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, बट सेंटर लॉकिंग नहीं आता क्योंकि ये बेस मॉडल है और बेस मॉडल में सेंटर लॉकिंग नहीं आता, तो मैं अभी सर्विस सेंटर पे थर्ड सर्विस के अंदर करवाऊंगा, क्योंकि यदि बाहर से लगवाते हैं तो उसके अंदर वारंटी कवर नहीं होती है ये बोला जाता है। अच्छा, और इसका ये जैसे म्यूजिक सिस्टम है इसका, क्या आपको ये टच डिस्प्ले, बड़ी डिस्प्ले वगैरह करवाने का या कहीं फील नहीं हुआ कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बेस मॉडल में ये बेस्ट है, यहाँ से आप बटन के यूज करके नॉर्मली कर सकते हो आप हर एक चीज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह, एफएम वगैरह, ओके, कोई म्यूजिक वगैरह कनेक्ट करनी है, ऑक्स तक कनेक्ट होती है, एफएम, यूएसबी, सब कुछ आपकी कनेक्टिविटी हो सकती है इजीली, यहाँ से कॉल भी कर सकते हो आप, जैसे फोन कनेक्टेड है कॉल पे जाके यहाँ पे आपको कॉल लॉग, ब्लूटूथ सेटअप एंड ऑल। तो आपको लॉन्ग ट्रिप पे कहीं क्रूज कंट्रोल वगैरह की मिसिंग नहीं लगता आपको? आपको कहीं गड्ढे वगैरह में या फिर नॉर्मल ब्रेकर वगैरह में कहीं दिक्कत हुई या फिर इनफ है आपके लिए अभी तक? वो तो चलाने वाले पे डिपेंड करता है, यदि स्पीड में है तो अपने नीचे लगेगी ठीक है, और बट आज तक कभी नीचे लगी नहीं है मेरी गाड़ी नीचे। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 के आसपास आता है, तो सफिशियंट आपके लिए? सफिशियंट है, बट थोड़ा सा ऊपर होता तो अपने को बेनिफिट भी होता।
लोकल रोड्स पे। अच्छा, इंडिया है, ये कुछ भी हो सकता है, कहीं पे गड्ढे मिल सकते हैं बारिश के टाइम पे। और इसका जो आपने जैसे लॉन्ग ड्राइव वगैरह की है, तो इसका जो कंफर्ट है सीटों का, वो कैसा लग रहा है आपको? कंफर्ट मैं कंपैरिजन करूं यदि मारुति सुजुकी से, तो उससे बेटर लग रहा है मेरे को इसके अंदर, जो बलेनो आती है या फिर उनसे बेटर लगा मेरे को इसका सीटों का कम्फर्ट और ड्राइविंग के अंदर भी। ड्राइविंग के अंदर भी आप किसी भी एंगल से इसको लेके देखो, बलेनो और इसके अंदर मैंने कंपैरिजन करके भी देखा, तो बट हाँ इसका काफी अच्छा है। तो सर एक बात बताइए, आपको इस गाड़ी के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, आपको सबसे अच्छा क्या पसंद है इस गाड़ी के अंदर, आपकी अपनी अल्ट्रोज के अंदर? पहला पॉइंट तो ये है, इसके सेफ्टी फीचर्स में 5 रेटिंग है और बेस्ट सेफ्टी दे रही है टाटा भी के लिए। ओके, और इसके अलावा पार्ट में अपनी बात करें तो इसकी जो ड्राइविंग का पार्ट है और इसका लुक एंड फील सबसे बेस्ट लगता है, ये i20 से भी मेरे को ज्यादा बेटर लगता है ये। अच्छा, इसका इंटीरियर आपको कैसा लगता है? इंटीरियर काफी अच्छा है इस रेंज की गाड़ियों में देखा जाए तो। मुझे ये देखिए, ये जो लग रहा है ये थोड़ा फिनिशिंग में थोड़ा सा वो लगता है, बट इट्स काफी अच्छा है वैसे कंपैरिजन करें। एक बात बताइए, आप इसका लुक कैसा लगता है इसको फ्रंट से? और लुक वाइज बेस्ट है ये, सबसे अच्छा लुक लगा मेरे को। और इसके अंदर आपके फीचर्स क्या क्या मिलते हैं जो आपके काम के हैं? जैसे फीचर्स में देखा जाए तो पावर विंडो है इसकी, और ये जो साइड मिरर्स होते हैं उनका भी अंदर से कंट्रोलिंग है पूरा। और इसके अंदर और स्टीयरिंग का देखा जाए तो अप एंड डाउन, इसको क्या बोलते हैं जो, हाँ, टेल एडजस्टेबल आपको स्टीयरिंग मिल जाता है इसके अंदर। और इसका बूट स्पेस आपको कैसा लगता है, कितना बूट स्पेस है, क्या आपके लिए स्पेस है, सफिशिएंट है इसका बूट स्पेस आपके लिए? बूट स्पेस इसका देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छा है और सही है, क्योंकि मैं फैमिली के साथ में ट्रेवल करता हूँ, तो मेरे को मतलब कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि मतलब मेरे लिए कम है ये। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने इसकी काफी ड्राइविंग कर ली, इसके अंदर कहीं लैग फील होता है आपको? मेरे को अभी रिसेंटली एक लैग फील होने लगा है इसके अंदर, 1.2 आरपीएम के अंदर सेकंड, फर्स्ट और या थर्ड गियर हो तो उसके अंदर मिसिंग करती है ये गाड़ी, आप देख सकते हैं अभी। अच्छा, मिसिंग करती है गाड़ी। हाँ, जो वाइब्रेशन कर रहा था अभी जो ड्राइविंग की थी ये अलग से। हाँ बिल्कुल, ये चीज इसके अंदर सबसे मेरे को बुरी लग रही है। कब से वाइब्रेशन करना स्टार्ट हुआ ये चीज, कब से इसका लैग फील होना स्टार्ट हुआ है? ये रिसेंटली इसका ज्यादा मेरे को फील होने लगा है। अच्छा, तो एक चीज और बताइए, आप इसका आपने किसी अपने कस्टमर कंपनी वालों को बताया कहीं पे, टाटा वालों को कहीं पे इन्फॉर्म? मैंने कहीं पे भी बताया नहीं, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट संडे तक इसकी सर्विसिंग करवानी है, तो मैं उस टाइम ही दिखा के आऊंगा, तो वहां से सर्विसिंग के साथ भी हो जाएगा। ओके, और इसका जो एसी है आपका, इसका आउटपुट कैसा है आपका? एसी बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत चिल्ड एसी करता है। हां, ये भी नया मॉडल है तो नई गाड़ी के अंदर फुल काम कर रहा है, बिल्कुल चिल्ड। और अगर हम इसके हेडलाइट की बात करें तो इसका आउटपुट आपको कैसा लगता है हेडलाइट का? परफेक्ट आउटपुट है इसका, क्योंकि मैंने नाइट में ट्रेवल किया है, वो भी ईस्टर्न पेरिफेरल वगैरह पे, और काफी हाईवे पे गया हूँ, तो वहाँ पे मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप इसका हाईवे पे कैसा, मतलब कैसा फील होता है आपको हाईवे पे, कैसी इसकी प्रेजेंस रहती है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है हाईवे पे? बिल्कुल हैवी वेटेड गाड़ी है, तो मतलब बिल्कुल क्लियरेंस के साथ में बिल्कुल चिपक के चलती है रोड पे, यदि आप 120-130 तक भी चलाओगे तो आपको ऐसे वाइब्रेशन फील नहीं होगा। और इसकी कंफर्टेबल हाईवे पे कंफर्ट एक नंबर, और इसकी रेंज की गाड़ियों में देखा जाए तो सबसे बेस्ट और कंफर्ट है हाईवे के लिए, यदि आप 130 भी चल रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा इस चीज के लिए। और एक बात बताओ, इसकी जो विजिबिलिटी है आपकी, जैसे ड्राइविंग वगैरह करते हो, जैसे आपने बताया कि आप नोएडा के अंदर बंपर टू बंपर ड्राइविंग करते हो, तो कैसी विजिबिलिटी आपको कैसा लगा? थोड़ी सी मेरे को एक ही प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे सामने की साइड में जो बम्पर दिखाई नहीं देता यहाँ से। अच्छा। चाहे आपकी कितनी भी हाइट हो, मेरी हाइट 6 फीट के करीब है, तो 5'11" है, तो भी मैं नीचे आके फ्रंट साइड में तक नहीं देख पाता। अच्छा, ये है इसका। और इसका एक बात बताइए, इसकी जो सेफ्टी है इसका क्या आपको क्या लगता है? 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग है इसकी, ये क्या रियल में आपको फील होती है गाड़ी के अंदर? ये तो अब सेफ्टी के टाइम पे पता चल पाएगा, बट हाँ जो इनकी टाटा की ऑफिशियल वो है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब बेस्ट लग रहा है अभी तक का। अच्छा। जो वीडियोस इनके, हर एक चीज आप परफेक्शन में देख सकते हैं, सेफ्टी के फीचर में आज नहीं काफी टाइम से टाटा टॉप में रही है। जैसे अभी अपने डोर का देख सकते हैं, डोर हैवी वेटेड डोर है, इनको जैसे ही ओपन करेंगे ऐसे तो इनका साउंड देख सकते हैं आप, काफी अच्छा इसका धड़ाम वाला जो साउंड आता है वो आता है। और इसकी ड्राइविंग कैसी है आप, जो जैसे ड्राइविंग इसने काफी कर ली आपने इसकी ड्राइविंग, तो कैसी आपको इसकी ड्राइविंग लगती है? ड्राइविंग में मेरे को बेस्ट लग रही है अभी के लिए, मतलब जो मैंने पीछे प्रीवियसली गाड़ी और भी गाड़ियां चलाई है मैंने, जैसे बलेनो वगैरह, फिर इस रेंज की गाड़ियां जो चलाई है मैंने i20 तक, इस रेंज की गाड़ियां सबसे बेस्ट लगती है।
ओके। और एक चीज और बताइए, इसका जो फ्रंट का जो स्पेस है या फिर जैसे रियर का जो स्पेस है, वो आपको कैसा लगता है? इसका बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं खुद काफी अच्छा स्पेस दिया हुआ है और हर एक एंगल पे आप देख सकते हैं, आप बैठे हैं तो आपको कंफर्ट फील हो रहा है, पूरी लेग को फील कर सकते हैं। तो सर एक बात बताइए, हमने इसका ये सुना है कि इसका जो इंजन है वो काफी वाइब्रेशन करता है, नॉइस करता है, इसका जो गियर बॉक्स है वो वाइब्रेशन करता है, आपको इसका क्या लगता है, क्या है? नहीं, आप खुद देख सकते हैं, आपने पीछे भी बताया था और अभी जैसे मैंने एक्सीलेटर में पैर दे रहा हूँ मैं, तो भी पता चल रहा है आपको? नहीं, मुझे तो इसके अंदर कहीं वाइब्रेशन नहीं है, कहीं नॉइस वगैरह नहीं फील हुई है। तो इसका जो इंजन का परफॉर्मेंस है आपको कैसा लगता है? अभी तक तो सही है, परफेक्ट है और टाटा का ऐसा ही परफॉर्मेंस रहता है स्टार्टिंग से एंड तक का। okay. जो मैंने देखा आज तक, तब थर्ड सर्विस के बाद में पता चलेगा मतलब भी क्या सर्विसिंग वालों का क्या सीन रहता है, हर एक चीज परफेक्शन में जाएगी या नहीं, क्या वो अपनी बात पे खरे उतर पाएंगे। और तो आपको इस गाड़ी के अंदर कोई कमी आज तक जो फील हुई है? मेरे को सिर्फ एक ही कमी लग रही है, 1.2 RPM पे सेकंड थर्ड गियर के अंदर ये मिसिंग करती है, इसके अलावा अभी तक मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं है। और बाकी अभी तक आपको इसका टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस वगैरह? और सर्विस एक्सपीरियंस एक्चुअली दो ही बार हुआ, तो अब थर्ड सर्विस के अंदर पता चल पाएगा एक्चुअल में कैसी है उनकी सर्विसिंग। रेटिंग्स के अकॉर्डिंग बात करें तो अभी तक ठीक है। ठीक है, तो आपसे अब लास्ट एक क्वेश्चन, अगर आज के टाइम में आपको मतलब 7-8 लाख का बजट हो आपके पास, तो आप कौन सी गाड़ी प्रेफर करोगे चूज करना? एल्ट्रोजी लोगे या फिर इससे यदि ज्यादा बजट है तो i20 के साथ मिलेगा? अच्छा, i20 के साथ जाओगे। तो ये गाड़ी आप किसी को सजेस्ट करते हो? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। सर अब आप कुछ और कहना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को? मैं तो यही कहना चाहूंगा अभी नेगेटिव चीजों से पहले ज्यादा पॉजिटिव चीजें देखें, फिर नेगेटिव चीजें देखें लोगों की जो बोले जाती है, उसके अकॉर्डिंग अपने ध्यान दे और अपने बजट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट गाड़ी है फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो दोस्तों यही था आज का हमारा ओनरशिप रिव्यू जो भाई साहब ने हमें बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए ऐसे ही ओनरशिप रिव्यू हम लेके आते रहेंगे।